ये वही चीज़ है जो उसको हमने आगे डिस्ट्रिक्ट किया, वाइज। डिस्ट्रिक्ट वाइज है। तो जनरली जो हमारा पॉइंट था वो यही था कि नॉर्थ गुजरात में ये ज़्यादा समस्या है, जैसे उसको हमें देखना दाहोद चाहिए। जैसे मेंशन किया हाँ हुआ। हाँ आगे चलें। अब नॉर्थ गुजरात के अंदर भी अगर हम तालुका वाइज जाते हैं, देखिए अब तालुका में आप जो ही शक हो कि ऊंझा, विसनगर, मानसा, मेहसाणा, विजयपुर, चाणस्मा, आ एवा तालुकाओ है कि जहाँ एवी समस्या है। अँ तो 700 पर 1000 गर्ल्स आर देयर ओनली, विच इज वेरी लेस देन द नेशनल एवरेज। नेक्स्ट, नाउ आप लोगों जे बे सीढ़ी जोई है એમાં મારાથી અગાઉના જે અધિકારી હતા એને તમે વાત કરી હતી કે જે તે વખતે આ ગુજરાતમાં 14 પોલીસ સ્ટેશન મહિલાના હતા, હવે આપ સમજી શકો છો કે ઓલમોસ્ટ એવરી ડિસ્ટ્રિક્ટ હે જે મહિલા પોલીસ સ્ટેશન, નાઉ વી હેવ 28 પોલીસ સ્ટેશન, ઓનલી 3 ન્યુ ડિસ્ટ્રિક્ટ્સ આર લેફ્ટ, એન્ડ વેરી રિસેન્ટલી ઇવન દે વિલ બી હેવિંગ પોલીસ સ્ટેશન। પોલીસ સ્ટેશન મીન્સ ઇટ ઇઝ હેન્ડલ્ડ બાય ए वुमेन पुलिस ऑफिसर, इट विल हैव मेजोरिटी ऑफ द स्टाफ वुमेन स्टाफ, तो जिससे कोई भी जो लड़की हैं या वुमेन्स हैं वो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सकें, इस हिसाब से वो जा सकती हैं। नेक्स्ट, ये आप देखिए कि ये एक्ट आपकी जानकारी के लिए बड़ा ज़रूरी है कि स्पेशल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन 2000 एंड इट्स अमेंडमेंट इन 2006, इट एंश्योर्स दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव ए स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट एंड एवरी पुलिस स्टेशन विल हैव द चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। आप ये जानते होंगे कि हमारे पास अलग अलग कायदे हैं, ज़्यादातर कायदे में जैसे एजुकेशन एक्ट है, लेबर एक्ट है, आईपीसी एक्ट है, या ये जुनियल जस्टिस एक्ट है, तो इसमें जो बच्चे की परिभाषा है उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया हुआ है, कहीं 14 साल है, कहीं 16 साल है, तो कहीं 18 साल है। तो इस एक्ट के हिसाब से जो भी बच्चा 18 से कम है, ये उनके वेलफेयर के लिए हमने हर डिस्ट्रिक्ट में स्पेशल जुनियल पुलिस यूनिट बनाई है और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर वहाँ रखे हुए हैं। इस यूनिट का मतलब ये है कि यहाँ जो भी ऑफिसर होते हैं वो सिविल ड्रेस में रहते हैं, दे आर नॉट इन पुलिस यूनिफॉर्म, दे आर वेल ट्रेन्ड, दे आर वेल सेंसिटाइज्ड अबाउट हाउ टू डील विद द चिल्ड्रन, हाउ टू डील विद द वुमेन। तो आप लोगों को कई बार ऐसी छाप है कि पुलिस में जब भी कोई जाता है तो वो उसको डर या उतना अनकंफर्टेबल फील करता है, तो वो फीलिंग ना रहे इसीलिए इस एक्ट के अंदर इनको स्पेशल सेंसिटाइज्ड ट्रेनिंग दी हुई है। नेक्स्ट, स्लाइड प्लीज। ये एक नया कंसेप्ट है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, AHTU मींस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट। अभी जब भी हम चाइल्ड एक्सप्लोइटेशन या गर्ल्स एक्सप्लोइटेशन की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है ये आप थोड़ा विचार करिए, जैसे चाइल्ड लेबर, किसी बच्चे के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको बेचना, निकाल के बेचना, सेक्सुअल एक्सप्लोइटेशन, प्रोस्टिट्यूशन ट्रेड, ये सब उसमें आता है। तो ये सबको हैंडल कर सके इस तरह की हमने 10 शहर में ये यूनिट बनाई हुई है। नेक्स्ट, ये पूरा स्लाइड जो मैंने आपको बताया था उसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि अलग अलग जो कायदा है, जैसे इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर एक्ट, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन एक्ट एंड सम सेक्शन ऑफ आईपीसी, इनके अंदर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो भोग बनते हैं तो इन स्पेशल यूनिट के थ्रू इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नेक्स्ट, ये प्रेजेंटेशन दिखाने का जो पर्पज है वो ये है कि आप ये सब जान सकें, खासकर जो प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, कि अगर जब वो चाहें, उनको एक डिसीजन लेना है कि अगर कुछ एक्सप्लोइटेशन है, अगर कोई इनजस्टिस है, तो जब वो डिसीजन लेते हैं कि हमें एक्शन लेना है तो हाउ
proceed. They can proceed. What are the systems and to whom they can approach? Like आप ये देखेंगे कि हमने इसको और friendly करने के लिए, people friendly करने के लिए हमने NGO के साथ हमारा पूरा network हमने किया हुआ है. जितने भी NGO हैं उनको हमने सामने से लिख के, उनके साथ मीटिंग करके, वो जो भी इशू लेके आते हैं उनका इमीडिएट एक्शन लिया जाए, ये हमने किया हुआ है. तो आप अगर ज़रूरत पड़े, अगर आप कई बार डायरेक्ट पुलिस के पास नहीं आना चाहते तो आप NGO के थ्रू भी हमारे पास आ सकते हैं. नेक्स्ट, जैसा हमने बताया आपको कि हमारे यहाँ वुमेन पुलिस स्टेशन है, हमारे यहाँ स्पेशल जुनाइल पुलिस यूनिट है, हमने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट खोला है, लेकिन साथ साथ में जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन है उन पुलिस स्टेशन में भी कुछ ऑफिसर्स को, हमारा टारगेट तो ये है कि 100% पुलिस ऑफिसर्स को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाए. सेंसिटाइजेशन, जेंडर सेंसिटाइजेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके बारीकी जो पहलू हैं, किस तरह से वो हैंडल करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे. शायद आपको ये जो एक्ट हमने चर्चा कर रहे थे, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इस एक्ट की जो खास बात है वो ये है कि इसमें जो बच्चे हैं 18 ईयर्स से कम, उनको जो नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस है उसके थ्रू उनको ट्रायल नहीं किया जाता अगर कोई एक्यूज या कोई क्राइम करता है, बल्कि उनके लिए एक दूसरा सिस्टम है, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है या बोर्ड है, और उसमें पुलिस यूनिफॉर्म में ना होके सिविल में है, और दूसरे डिपार्टमेंट जैसे सोशल एम्पावरमेंट एंड जस्टिस, उनके प्रोबेशन ऑफिसर, उनके चाइल्ड ऑफिसर के साथ मिलके हम काम करते हैं, ताकि जो मेन फोकस इस एक्ट में है कि जो बच्चा है, हमारा काम ये है कि बच्चा ठीक तरह से रहे, और अगर वो बाय चांस किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में चला जाता है तो उसको कैसे रिफॉर्म किया जाए, उसका ये पर्पज है. तो इसमें विक्टिम एज वेल एज जो एक्यूज्ड है, उन दोनों को किस तरह से लुक आफ्टर किया जाए, इसके बारे में ये है. नेक्स्ट, गुजरात सरकार का जो होम डिपार्टमेंट है उसके थ्रू हमने सभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट और सिटीज हैं वहाँ SP और CP को ये सब गाइडलाइन दी हुई हैं कि किस तरह से जो अभी दिल्ली का गैंगरेप हुआ था उसके बाद हमें और एक्टिवली होके, जो हमने आपको पहले बताई थी काफ़ी डिटेल में, इसमें हमने दोबारा सूचना दी हुई है, तो वो सूचनाओं को आप लोगों को भी पता चले. हर शहर या जिस जिला में आप रहते हो वहाँ के SP से अगर आप बात करें, ये देखिए, ये हमने 26 दिसंबर 2012 का ये जो हमने एक इशू किया था, इसमें हमने काफ़ी डिटेल में किस तरह से पेट्रोलिंग करना, किस तरह से बस में जाते हुए करना, किस तरह से गार्डन या आइसोलेटेड प्लेस में आप लोगों को रहना, ST वगैरह में करना, तो इस तरह की सब डिटेल. तो आपको सिर्फ इसमें जनरली इतना ही ऊपर इसको जाने दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें आइडिया लगेगा. तो इस सर्कुलर से थोड़ा सा आपको ये आइडिया लगे कि हमें काफ़ी सूचना दी हुई है. लेटर, वंस अगेन लेटर प्लीज, टेलीटॉप प्लीज, धीरे धीरे आगे ले जाओ रवि. देखिए, हमने इसमें काफ़ी ये भी है कि जो काफ़ी केस जो पहले हुए हैं और वो अभी तक अनडिटेक्ट है, तो उनको और अच्छी तरह से किया जाए. दूसरे पॉइंट पे भी हमने देखा है कि जब वो अकेली रहती हैं स्त्रियां, तो वहाँ किस तरह से आसपास के विस्तार में रहना चाहिए, सब उसके बारे में सब सूचनाएं दी हुई हैं. तो आप लोग अभी देखेंगे, आप लोग देखा होगा कि पिछले एक महीने से जो लोकल पुलिस है वो शायद ज़्यादा पेट्रोलिंग करती होगी, ज़्यादा आप लोगों के टच में रहती होगी, ज़्यादा आपके फ्रेंडली होगी, ऐसा हमारे तरफ से सूचना और ये पॉइंट दिया गया है. नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन प्लीज. ये तो हो गया. नेक्स्ट, अब एक आपको एक नई जानकारी देता हूँ कि अभी सब बच्चे, यह पूरा सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर भी बेस्ड है, तो पुलिस भी इसका भाग बने, इसके लिए एक ट्रैक द मिसिंग चाइल्ड, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक वेबसाइट बनाई है. इस वेबसाइट का पर्पज़ ये है कि कोई भी बच्चा जब भी मिसिंग होता है, या जब भी उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, या जब वो बच्चा खुद रिकवर होता है, तो वो सब चीज़ें इमीडिएटली दे शुड बी अपडेटेड इन दी वेबसाइट. इसका पर्पज़ ये है कि ये जो बच्चा है, हो सकता है कि गुजरात से गुम हुआ हो और वेस्ट बंगाल में पाया गया हो,
क्योंकि जैसा हमने आपको बताया ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक्ट, जब हम ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, अब ट्रैफिकिंग क्या है इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा। ट्रैफिकिंग एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इसको कहा जाता है, जिस तरह से बच्चे को एक जगह से उठा के उसका फाइनेंशियल बेनिफिट लेने के लिए उसका इल्लीगल चीज़ों में उपयोग करना, इसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं। जो अलग अलग जो पहलू हमने बताए, प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक वर्क, इस तरह की चीज़ों का इनका इस्तेमाल होता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कई बार ऐसे स्टेट्स जहाँ काफ़ी गरीबी है तो वहाँ से इनको ये पिकअप करते हैं, और जहाँ ऐसे स्टेट जहाँ इनकी डिमांड रहती है, जो बेटर फाइनेंशियली बेटर है, वहाँ इनको बेच दिया जाता है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हिसाब से ये इसका जो नेटवर्क है, इट इज इंटर स्टेट एंड इवन इंटरकॉन्टिनेंटल, इट्स कॉन्टिनेंटल। तो अपने को वो चीज़ देखते हुए कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इसका जो रेमिफिकेशन है वो नेशनल और इंटरनेशनल हो सकता है, तो इसके लिए हमने एक ट्रैफिकिंग जो एक्ट बनाया है उसमें सख्त से सख्त सजा है और स्पेशल अलग यूनिट बनाई है। नेक्स्ट, ये आप लोगों के लिए काफ़ी वैल्यूबल है। आप सब लोग इसको जानते भी होंगे कि हर कॉलेज के अंदर एक वुमेन काउंसिल होती है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये बनाया गया था, वो इसमें भी वही सब चीज़ें जो हम अभी कह रहे हैं ये पहले सब एस्टेब्लिश हो चुकी थी, पर अभी ये कितना एक्टिव है ये डिपेंड करता है कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर, कॉलेज के प्रोफेसर्स के ऊपर, और वहाँ का कैसा माहौल है इसके ऊपर। तो जैसा हमारी इच्छा है कि हर कॉलेज के अंदर एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि जहाँ फ्रीली बात कर सकें, कोई डर ना हो, अगर कोई ऐसा कोई किस्सा आता है तो उसको इमीडिएटली इस काउंसिल के थ्रू सॉल्यूशन लाया जाए, ऐसी मेरी सब प्रोफेसर से विनती है। नेक्स्ट, ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, ये एक नई यूनिट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी पिछले 1 या 1.5 साल से इसको स्टार्ट किया है। इसका पर्पज भी यही है कि अब हर डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको लगता है कि पुलिस से आप उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, जैसा हमने आपको बताया कि एनजीओ या दूसरे हैं, इसी तरह से ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड यूनिट हमने एक बनाया है। इसके अंदर हमने स्पेशल इस तरह के लोगों को रखा हुआ है कि हु हैज द नॉलेज एंड फ्लेयर इन वर्किंग सोशल फील्ड्स एंड चाइल्ड रिलेटेड फील्ड्स, सो दे आर पेड वर्कर विद नॉलेज इन दिस एरिया, तो वो भी आप लोगों की काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो जब भी कोई डिस्ट्रिक्ट में हो तो हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर एक अपॉइंट किया हुआ है, तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट से सब लायजन रखता है। नेक्स्ट, अभी ये कुछ हम इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा। 100 आप सब जानते ही हैं कि पुलिस कंट्रोल रूम में जाता है तो कभी भी आप कर सकते हैं। दूसरा 101 1091 है जो वुमेन क्राइसिस रिस्पॉन्स सेंटर में है। ये हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट्स में ये वर्किंग है, बाकी में अभी इसका काम चल रहा है, वहाँ भी चालू हो जाएगी। 1098 जो है ये सेंट्रल की हेल्पलाइन है, चाइल्ड लाइन, ये काफ़ी दूसरे स्टेट में भी एक्टिव है, और हमारे यहाँ भी 7 जगह ये लोकेटेड है। तो कभी भी आपको इमरजेंसी में अगर लगता है तो आप यहाँ भी नंबर कर सकते हैं। इन सब का पुलिस से हमारा टाई अप है, पुलिस इन सब से टच में रहती है कि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप पुलिस में डाइवर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ सूचना है जो हम चाहते हैं कि आपके स्कूल्स या कॉलेज में हो, कि सेल्फ डिफेंस बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक शब्द है, एक कंसेप्ट है। आपको जो भी मदद चाहिए होगी वो आप फ़ोन करेंगे, जाएंगे तब मिलेगी। जब क्रूशियल समय होता है, जब विक्टिम के लिए जब कोई एक्यूज्ड इस तरह का करना चाहता है, तो क्रूशियल 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट्स जो स्टार्टिंग के होते हैं उसमें अगर कुछ आप सीख सकते हैं, आप खुद हैंडल कर सकते हैं, अगर वो आपके टेक्निक आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। हम ये चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी और एनजीओ के मार्फत वॉलेंटरी बेसिस पे आप लोग भी अगर चाहें तो आप ये सेल्फ डिफेंस कोर्स छोटा छोटा कर सकते हैं अपने लेवल पे। हर कॉलेज के अंदर पीटी टीचर होते हैं, बहुत सी एनजीओ भी इसके लिए तैयार हैं,
और बहुत से लोग पैसा खर्च करने के लिए भी इसमें तैयार हैं, लेकिन इसमें गर्ल्स को, वुमेन को सामने इनिशिएट करके अपने आप को जितना पॉसिबल हो गवर्नमेंटल या नॉन गवर्नमेंटल तरीके से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लें तो एक क्रूशियल समय मदद आ सकती है। ये जनरल्स डूज एंड डोंट्स हैं, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, हमने पहले भी सीडी आपको दिखाई है, आपको खुद ही अपने इंडिविजुअलिटी को देखते हुए, अपनी प्राइवेसी को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है कि क्या डूज एंड डोंट्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सेल्फ इज राइट फॉर यू। नेक्स्ट, बीच बीच में कहीं से भी किसी कॉलेज से या स्कूल से कोई क्वेश्चन हो, हाँ, तो आप नोट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ये सब जनरली वही हमने आपको बताई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, अलर्टनेस सबसे पहले आपके अंदर ही होनी चाहिए। बेसिक मुद्दा वही है कि फर्स्ट खुद आपको अपनी सेल्फ हेल्प करनी है, उसके बाद ही दूसरी हेल्प मिलेगी, ये मूल मंत्र यही रहेगा। नेक्स्ट, आजकल छोटी छोटी चीज़ें जो भी टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, जो मोबाइल खास करके टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर कंफर्ट्स के लिए, हाँ, कोई गेम्स के लिए हम करते हैं विदाउट एनी टेक्नोलॉजी है, विदाउट एनी इंटेंशन, तो वो कई बार मिसयूज ना हो जाए। हाँ, हमारी ऑफिसर एक केस डिस्कस करना चाहेंगे। जी चौहान मैडम, प्लीज। वेल, आई वॉज पोस्टेड इन बड़ौदा क्राइम ब्रांच, तब मेरे हाथ में एक केस आया था, वहाँ मैं साइबर से रिलेटेड वर्क करती थी, तो वहाँ एक लड़की का फोटोग्राफ मिसयूज हो गया था वहाँ फेसबुक पे, तो उसके पापा आए और उन्होंने बोला कि अभी तो हम लोगों ने बंद कर दिया है, बट आई हैव टू फाइंड द कल्प्रिट। तो उस लड़की को हमने पूछा तो उसको भी मतलब शी वॉज नॉट नोइंग कि हाउ माई फोटो केम दिस वे, उसने किसी के शेयर भी नहीं किया था, पर जब वो डिटेक्ट हुआ तब डिटेक्ट ऐसे हुआ कि उसका उसकी एक फ्रेंड थी, उनका एक ग्रुप फोटो था, तो एक उस टाइम के कॉलेज टाइम पे उसका कुछ झगड़ा हो गया था, रिवेंज लेने के लिए उस लड़की ने फोटो मिस, उसकी बेस्ट फ्रेंड थी उसी ने ऐसा किया था लास्ट में ऐसा। तो आप मेल फ्रेंड पे तो ठीक, पर अपने क्लोज गर्ल्स के साथ भी जब रहते हो तो गर्ल्स के मतलब इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो, कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती जो अपने अपने तक ही रखो, बस वो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सबसे। थैंक यू, बहुत अच्छी बात।